हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी सिल्वर ज्वेलरी को डेली वेयर में कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कौन से डेली वेयर के साथ कौन सी ज्वेलरी स्टाइल करनी चाहिए आपको। सारे प्रो टिप्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक के लिए मैंने इस तरह से अपनी स्कर्ट के साथ प्लेन शर्ट पहनी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और हम सब लोग डेली वेयर में इसको पहनते ही हैं। इसके साथ मैंने शर्ट प्लेन है तो मैंने ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी रखी है, हैवी चोकर को ऐड किया है शर्ट के कॉलर के ऊपर मैंने रख लिया है, जो ऐसा इफ़ेक्ट दे रहा है कि आपकी शर्ट के ऊपर ही कुछ डिज़ाइन है और बिल्कुल ओवर द बोर्ड नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सटल सा लुक आया है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और चिक सा, स्टाइलिश सा, एथनिक सा और एलिगेंट, सब चीज़ें एट द सेम टाइम मिल रही हैं हमें इस इफ़ेक्ट से, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस तरह के आप हैवी चोकर्स अपने प्लेन शर्ट्स या कुर्तीज़ के साथ स्टाइल कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, आप अपनी कॉलर को नीचे इसके कर दबा लीजिए ताकि दिखे ना कॉलर, और कॉलर अगर इसके ऊपर करेंगे तो चोकर नहीं दिखेगा फिर, और बहुत ही प्यारा सटल सा लुक आ जाता है। छोटे छोटे स्टड्स पहने हुए हैं मैंने पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, सेकेंड लुक में फ्रेंड्स, प्लाजो तो हम सभी लोग पहनते हैं, उसके साथ मैंने ये सनफ्लावर प्रिंटेड क्रॉप टॉप पहना है। ये एक बेसिक सा आउटफिट है जो हम सभी लोग आराम से इसको कैरी करते हैं और कैरी करना चाहते हैं क्योंकि गर्मी है। इसके लिए मैंने अब सिल्वर ज्वेलरी जो चूज़ किया है, घुंघरू चोकर चूज़ किया है, थोड़ा सा नेक से नीचे मैंने इसको बांधा है, बंद किया, टाई किया है ताकि ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे, गले पे आए मेरे टॉप के, और गर्मी में चुभता भी है अगर हम कुछ नेक के राउंड टाई करते हैं। तो इस तरह से झुमकीज पहनी है छोटी छोटी, अगर आप झुमकी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह स्टड्स पहन सकते हैं आप। और मैंने घुंघरू चोकर इस तरह से पहना है, ज़्यादा हैवी नहीं लिया है, मीडियम लिया है, ज़्यादा हल्का भी नहीं और ज़्यादा भारी भी नहीं लिया है मैंने चोकर। इस तरह के आप चोकर्स इस तरह से प्लाजो पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है। ये देखिए क्लोज़र लुक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सटल सा लुक आता है और ऐसा लगता भी नहीं कि आपने बहुत हैवी कुछ पहना है। आपकी सिल्वर ज्वेलरी जो आपकी अलमारी में अभी तक रखी हुई है, बस उसको निकालिए और पेयर कर लीजिए किसी भी चीज़ के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। फ्रेंड्स, प्रिंटेड के साथ हमेशा हल्का ही रखिए ज्वेलरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने जो लिया है कुर्ती दिखाई है मैंने, इंडिगो प्रिंट की कुर्ती है, मल्टी लेयर कुर्ती है, डबल लेयर, इसके साथ मैंने इंडिगो प्लाजो ही पहना है। ये उन लड़कियों के लिए है जो प्लाजो और कुर्ती के साथ सिल्वर ज्वेलरी स्टाइल करना चाहती हैं, तो इस तरह का ये देखिए, आप हल्का सा एक मल्टी लेयर नेक पीस पहन सकते हैं, उसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स पहन सकते हैं जो कि पूरे आपके गले पे एकदम से उभर के आता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। कुर्ती के साथ तो ये पूरा लुक बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ मैंने ब्लैक और रेड कलर के सैंडल्स पेयर किए हैं, बालों को ट्विस्ट ट्विस्ट करके दोनों साइड से और पीछे टाई लिया है, बाल पीछे से खोल दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और एक फेमिनिन सा लुक आया है। इस तरह से आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं अपनी कुर्तीज़ पे, मल्टी लेयर नेकलेस आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और बिल्कुल भी ओवर द बोर्ड नहीं लगते हैं। ये देखिए, इस तरह का कुछ क्लोजअप लुक है, ये बर्ड वाला आजकल चल रहे हैं, बर्ड वाले नेकलेस और पिंक कलर की वाइब के साथ जा रहे हैं, एकदम से कुर्ती की वाइब है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो एकदम कंट्रास्ट भी आ रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेन वाइट टी शर्ट ली है और इसको जीन्स ब्लू डेनिम के साथ, जो एक बेसिक सा है, एक बहुत कॉमन सा पेयर है, उसके साथ पेयर किया, उसको मैंने अब रेड श्रक के साथ पूरा अपना आउटफिट का लुक कंप्लीट किया है। अब मैंने इसके साथ, मैं चोकर वगैरह कुछ नहीं पहनना चाहती थी क्योंकि इसके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता वैसे, तो मैंने एक लॉन्ग पेंडेंट नेकलेस पहन लिया है जो कि परफेक्टली जा रहा है पूरे आउटफिट को, एकदम 1 to 100 कर पहुँचा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा पूरा इफेक्ट आ रहा है। आप भी इस तरह से अपनी प्लेन
वाइट टी शर्ट्स पे या ब्लैक टी शर्ट्स पे या कोई भी कलर की टी शर्ट हो, ऐसा कुछ बेसिक नहीं है रूल कि आप इसी कलर के साथ ये पहन सकते हैं। आप कोई भी प्लेन टी शर्ट अगर पहनते हैं तो उसको जैजअप करने के लिए एक पेंडेंट नेकलेस पहन लीजिए, बस दैट्स इट। आपको कुछ और करने की, अपने लुक को इन्हांस करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ। इस तरह का कुछ हैवी पेंडेंट नेकलेस हम सबके पास होता है, तो इसको सिर्फ हम कुर्तीज के साथ नहीं, इस तरह भी स्टाइल कर सकते हैं जीन्स और टी शर्ट के साथ। बहुत ही प्यारा और हैपनिंग लगता है। तो सिल्वर ज्वेलरी रखिए मत रखिए अपनी अलमीरा में, निकालिए और पहनिए। पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर के सैंडल्स पहने हैं जो कि बहुत अच्छे से जा रहे हैं। नेक्स्ट लुक पे फ्रेंड्स मैंने डेनिम ऑन डेनिम पहना है, क्योंकि मेरी तरह आप भी अगर डेनिम फैन है तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी अपने मन की मन में मत रखिए और निकालिए अपनी डेनिम शर्ट्स, डेनिम जीन्स के साथ पहनिए। ये अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है दिल्ली में, तो काफ़ी अच्छा प्लेजेंट सा मौसम है जिसमें हम इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है और एसी रूम में बैठे हैं तो आप इस तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने येलो जैकेट पहनी है, ब्लू के साथ येलो वैसे भी एकदम किलर लुक देता है। उसके बाद मैंने एक बढ़िया सा नेकलेस पहना है, चोकर। अगर मैं इसको गले के पास पहन लूँ तो ये चोकर बन जाएगा, थोड़ा सा मैंने गले से हटा के ही पहना है। और आप नाइट आउट अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या फैमिली के साथ किसी भी नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये लुक। डे में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट फिर लेयरिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी आपको इसमें। इस तरह से आप पूरे लुक कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चोकर की थोड़ी क्लोजअप लुक लगाया है, काफ़ी प्यारा सा और बहुत सुंदर पीस है ये। इसको मैंने सेम सैंडल्स के साथ पेयर किया है और पूरे लुक को रॉक किया है।